कैंसर है जी। क्या आपको असर पड़ा जी उस टाइम में? मैं मेरे शरीर में का सारा खून पानी हो गया था, तो मैं बहुत कमजोर थी, शरीर ऐसे लग रहा था जैसे 60 बरस की हो गई हूँ ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं SLPS परिवार से बोल रही हूँ और रहने के लिए वापिस हूँ। मैं टेरेसा मैम के आई हूँ। मैम आपको क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी आपको जी? मुझे डॉक्टर लोग ने बोले कि आपको कैंसर है जी। ममता हॉस्पिटल में एडमिट रखा था जी, तो ममता की जो मैडम है बड़ी डॉक्टर है जी जी, वो बोली कि हमसे नहीं होगा, इसके लिए इनको बलसाड या तो सूरत लेके जाओ ऐसा बोले हैं जी मैम। तो बलसाड गई मैं, तो लेके गए तो वहाँ पे भी वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि नहीं हम लोग से नहीं होगा, इनको सूरत लेना पड़ेगा जी। सूरत में मैं 1 महीना तक दवा कराई, फिर ऑपरेशन के लिए थोड़ा मनी ज्यादा बोले तो क्या किया मैंने? मैंने लोग ऐसे गांव से भी दवा मंगाए, वहाँ से भी दवा चला, फिर एलोपैथिक यूज कर रहे थे कि आयुर्वेदिक? आयुर्वेदा कर रहे थे सर जी, आयुर्वेदा करा रहे थे। फिर जब ऑपरेशन के लिए बोले तो ऑपरेशन नहीं करा के आयुर्वेदा दवा करा के फिर मुझे ठीक किए हैं। फिर मैंने अभी आयुर्वेदा का दवा यूज करती हूँ। कौन सा आयुर्वेदा मैम बता सकते? अपना इमोनोडॉन। अच्छा, ये प्रोडक्ट है क्या मैम? जी हाँ, ये दिखाई लोगों को। एक ये क्या है मैम, कौन सा प्रोडक्ट है ये? ये एलोवेरा है, एलोवेरा है। और एक इमोनोडॉन करती हूँ, फिर हर्बल टी करती हूँ, और तुलसी दिया था मैम आपने जी हाँ, तुलसी और अपना टेस्ट अभी क्या फर्क पड़ा मैम ये सब प्रोडक्ट लेने से, एलोवेरा जूस लेने से, इम्यूनोडॉक लेने से, हर्बल टी लेने से, तुलसी लेने से, अभी क्या आपको असर पड़ा जी? उस टाइम में मैं मेरे शरीर में का सारा खून पानी हो गया था, तो मैं बहुत कमजोर थी, शरीर ऐसे लग रहा था जैसे 60 बरस की हो गई हूँ ऐसा। तो ये एलोवेरा यूज करके मैंने अपना शरीर में तंदुरुस्ती और अपना निखार जो भी होता है वो पाया, और ये हर्बल टी से मैं अपना पाचन क्रिया अच्छा कराई जी। मैम लोगों को कुछ आप बोलना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जी मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जी, वो प्लीज आयुर्वेदा यूज कीजिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा कीजिए और अपना उम्र बढ़ाइए, और जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो तो आयुर्वेदा ही लेंगे, वही बहुत अच्छा होगा जी। अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मैडम का नंबर है, आप इस पे कॉल करके इनसे सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इस बीमारी के बारे में पता कर सकते हो। इसी के साथ जय SLPS, जय SLPS, जय जिंदगी।